हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। मैं, पापा जी और अंशु और एक भैया हैं, वो जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे। पापा जी ने खाना खा लिया होगा, हम लोगों ने भी खा लिया, फिर निकलते हैं हम। चलो यार भाई। हाँ, आज पापा का काम कर रहे हैं। आज पापा होते तो आज पापा सब कुछ संभाल लेते। आज पापा नहीं है तो लोग कैसा कैसा फायदा उठा रहे हैं हमारा, है ना? गंदे तरीके से फायदा उठा रहे हैं गंदे लोग। कोई बात नहीं, मैं मम्मा है ना, मैं मम्मा भी हूँ तो सारे काम मम्मा करेगी, तभी अकेली जीवन काट पाएंगी, नहीं तो ऐसे लोग नहीं काटने देंगे। हाँ, चलो अलका की भी डाल दीजिएगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पहले कोतवाली जाएंगे, फिर पापा जी आप वकील से बात कर लेना शाम को। तो फिर उनको तारीख करने यहाँ शिवपुरी आना पड़ेगा ना, भरतपुर से। हाँ, तभी तो वो, हाँ, बोलने से पहले वो तभी तो सोचा करेंगे कि किसी के बारे में बोलते हैं तो फिर क्या होता है, उसका नतीजा पता भी चलना चाहिए उनको। गांव में अलका पहुंची थी। गांव में जब अलका पहुंची थी तो ये खुद ही कह रही थी मुझे रेखा ने भेजा। हाँ, और वो कोई उसमें नहीं आई थी कि दुख में शामिल होने तो आई हूँ। हाँ, वीडियो बनाने के लिए उन्होंने वीडियो बनाई थी घर तक आने की, फिर घर में नहीं बनाई उन्होंने। मैंने घर में घुसने नहीं दिया ना, मैं अपने पास ही बैठा सर। थैंक यू सो मच, आपने इतनी हेल्प की। कोई समस्या का हल थोड़ी ना, हां सर, आप बढ़ रहे हो अपनी काम लिया तो वो। सर मैं तो ये कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे मैं आपके पास आई हूँ वो आपके पास आए, अगर ऐसा मैं कुछ कर रही हूँ उनका माइंडसेट ये है तो वो आपके पास आए, मेरे प्रूफ रखे संबंधित थाने पे जाएं। हां, जब यही तो मैं कह रही हूँ सर। थैंक यू सो मच। ये दोनों जो रेखा और अलका जी दोनों है ना, ये उस दिन भी मेरे बेटा जब एक्सपायर हुआ था ये अलका वहाँ आई थी, और ये रेखा क्या नाम भी मेरे सामने ले रही थी कि मुझे रेखा ने भेजा है। भाई आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग, अब बहुत हो गया। आप मेरे ऊपर, बहू के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों को मारने का लांछन लगा रहे हैं। क्या कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई परिवार होगा क्या ऐसा? मुंह से कुछ भी तू बक देती है। अभी तक मैं सोच रहा था तू रिश्तेदार है, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो, कोई रिश्तेदार नहीं है। और काय के रिश्तेदार? मैं तो आज तक मिला ही नहीं हूं तुझसे, काय का रिश्तेदार है तू? यहां वीडियो में डाल रही है मेरे सास ससुर मेरे साथ रह रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में है? मेरी अभी मेरी दीदी से बात हुई, तूने उनको घर से निकाल दिया, उसके घर में कब्जा करके, और तू पूरे अपने मायके वालों को साथ लेके रह रही है उसमें। अब ठीक है, डाल तू जितना वीडियो डालेगी। आज मैं पुलिस अधीक्षक को और कोतवाली में तो तेरा वो जो पूरा दे आया हूं, और अभी कोर्ट में भी तेरे को यहीं बुलाऊंगा। ज्यादा तू इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ रही है ना, अरे डिवोर्स तेरा हो रहा है तो तू या तू दोषी होगी या तेरे घर वाले दोषी होंगे, हम तो नहीं है ना। हम तो मिले ही नहीं है तुझसे, शादी के बाद मिले ही नहीं है आज दिनांक तक, और तू भरतपुर में रह रही है, हम शिवपुरी में रह रहे हैं, हम तेरे यहां क्या क्या बिघने डालेंगे? ठीक है, अब तू जो कर, अब तुझे यहां कोर्ट में, और जब मैं घसीटूंगा जब तो तुझे पता चलेगा। ये वीडियो जो आप लोग बना रहे हो, एक अलका है वो बना रही है, एक ये तू है रेखा, और तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो या फिर दोनों फ्रेंड हो। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, तुम सबको कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो भी सबूत हो, जो भी हो, सब आप बाईडी पर डालिए। जहां आपको जाना है, पुलिस में जाना है, कोर्ट में जाना है, आप जाइए, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो आप कर रहे हो, रोजाना, अरे तेरा तलाक चल रहा है, हमारा क्या उससे क्या लेना देना? अब तू उस चीज को खुद सोच, तू औरत है तू, एक कि तेरे तलाक में तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे तो दोनों चले गए ना,
उसकी माँ से पूछो, मुझसे पूछो, बहू से पूछो, उनकी बहनों से पूछो, हम पे क्या गुजर रही है। और तू ये व्यूज के लिए लड़ रही है, अपने घर में सान रही है हमको।